लोगों ने हमको जो आंखें खोली है ना आपा, हम जिंदगी भर याद रखेंगे आपा। मेरे पापा मरते मरते बचे हैं बस। हाँ वालेकुम सलाम, तबीयत कैसी है अभी आपकी? हाँ बेटा ठीक है। ये आपको कभी मालूम पड़ा ये जो वायरल हो रहा था, कब पता चला आपको? संडे को मालूम पड़ा, जब से खाना पीना सब मेरा बेकार हो गया बेटा। अल्लाह 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 रहम करे अल्लाह। हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं आपको, कब से मेरे ढूंढ रहे हैं आपको, पास एक हफ्ते से ढूंढ रहे थोड़ी बहुत इज्जत बची, मेरी बहन मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बची है बस, मेरे पास कुछ नहीं है। 7 साल से मैं संभाल के रख रहा हूँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ तुमको, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, बड़ा भूख भूख के, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इससे जॉब भी नहीं करवाने देता, मैं इतना परेशान हो गया हूँ। नहीं आप रो मत, रो क्यों रहे हैं आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह की अल्लाह बेटा अल्लाह के हाथ में ना इज्जत और बेइज्जती तो अल्लाह के हाथ में, शैतान ने किया ना ये तो। मैं अल्लाह रहम करे। मैं बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ हटाने के लिए। ये देखिए एक लड़की के पीछे कितना जन जुड़े होते हैं, ये लोग सोचते नहीं है, वायरल कर देते हैं जिस हिसाब से। तो ये इतना सा वाले जान बन गया आपके। अल्लाह पर रहम करे मेरे परवरदिगार, अल्लाह इज्जत रखने वाला है, आपकी दुआओं से अल्लाह इज्जत रख ले नहीं नहीं परवरदिगार अल्लाह मेरे इज्जत रखेगा, पाले। अल्लाह की अल्लाह की। देखिए अल्लाह इज्जत देने वाला, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है। अगर शैतान ने किया तो अल्लाह ने होने बेशक दिया, कुछ राज होगा ना। अभी आपकी बेटी ने तो बताया, आपको पता चलता आपकी बेटी गैर मजहबी लड़के से मुलवी से, ये पता चलता आपको? आपके नहीं, हयात तक वो मैंने आपके साथ में उनको रहती, आपको कमा के खिलाती, आपके मरने के बाद तो उसी से शादी करने वाली थी वो। नहीं बेटा ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ हाँ तो इंशाल्लाह वही तो नया ना, कोई हयाती जब तक है अच्छा तब लड़का तक। मुस्लिम लड़का देख के मैं कर दूंगा शादी इसकी। अभी तो बोल रही हो कि मुझे अच्छा लड़का ढूंढो करके बोल रही हो, तो मैं बोली हम लोग देखते हैं लड़का इंशाल्लाह। हाँ देखो बेटा देखो कोई अच्छा लड़का आप टेंशन मत लो, इंशाल्लाह मैं देखूंगा। हटाते हैं। आपका बयान भी डालती हूँ मैं कि भाई हाँ ऐसे मत मत ये करो, किसी की जान चली जाएगी तुम लोग की बेवकूफियों में। मैं बेटा एक बार ना गिर गया, मैं ऐसा गिरा, मेरे को खुद को नहीं मालूम कि मैं कैसा गिरा, क्या हुआ, फिर सब घबरा के आए मेरे पास इन लोग, तो मेरे को बहुत आया, मैं बोला बेटा क्या मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम कि मैं कैसे गिर गया। ये होने के बाद हाँ ये होने के बाद अभी परसों बात है। बेटा दीजिए आपकी बेटी को दीजिए, इंशाल्लाह मैं बात करती हूँ, इंशाल्लाह आमीन। दुआ कीजिए आप। हाँ बोलो। अब उस बंदे से आपने मिलना नहीं है, सुना? नहीं मैम इतनी नहीं, खूबसूरत है माशाल्लाह, सबको बेवा हुई है कोई, अब बताए मुझे। हाँ ऐसा भी नहीं कि तलाक हुई कि कोई ऐप बता देवे, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश से गुजरी है। तो क्यों इतना बड़ा शैतान के फितने में फंसना था, सबर करना था। अभी ये कोई बात नहीं होती ना कि मुझे मुसलमान नहीं मिला, कितनी गलत बात है बेटा बोलो ये। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मुसलमान मिलेगा इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा। हम बोलेंगे कि भाई बच्ची के लिए कोई लड़का है रिश्ता, तो हम बोलेंगे कि भाई कोई अच्छा मुसलमान जो संभाल सके। कितना बड़ा बच्चा है तुम्हारा, 10 साल का है। दस साल का लड़का है, पढ़ता है हाँ लड़का है? अच्छा लड़का है। चलो देखते हैं इंशाल्लाह, कोई अच्छा कोई रहे तो मैं जरूर बताती हूँ मैं इंशाल्लाह। ठीक है पापा वीडियो भी डिलीट करवा देना बस। हाँ, तुम्हारा बयान डाल के मैं करवाती हूँ ना, बयान तो डालना पड़ेगा ना, नहीं तो काय को मानेंगे ये लोग, इनको तो बस मौज लगी हुई कि मुसलमानों की इज्जत पामाल करने वाले मुसलमान ही है, तो क्या करेंगे बोलो। अब ये सब नहीं कराना चाहिए था ये लोगों ने, रिश्तेदारों में भी बहुत थुतु हुई रही, रिश्तेदार है रिश्तेदार। देख अब उसके अंदर मैं क्या सफाई दूं बताओ, क्या सफाई दूं मैं, जो है वो तो फैक्ट दिख रहा है ना, ऐसा भी नहीं कि भाई किसी ने फंसाया है, या फिर क्या बोलूं मैं उसमें बताओ, बस गलती हुई है माफ कर दो यही बोल सकती हूँ मैं। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह तुझे माफ करे और तौबा कर ले कि नहीं करना आगे, आगे करोगी फिर तो क्या, इसके साथ मुलविस होगी तो मतलब उसके साथ जाना जरूरी नहीं है ना, यकीन रखूं मैं। हाँ तुम्हारी मेरी बात जो हुई अभी फोन के ऊपर वो, और मैं तुम्हारा चेहरा ब्लर करके डालती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये होना चाहिए कि भाई वही लड़की है, ऐसा नहीं हो कि लोगों को लगे कि आपा जो है वो ये बच्चे को बचाने के लिए बात करते हैं, और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो तुम्हारी इजाजत तो मैं डाल देती हूँ ब्लर करके तुम्हारा चेहरा। हाँ जो बातचीत हुई अब्बू की, जो बातचीत हुई ये भी डाल दूँ, उसी के लिए डालना पड़ेगा ना, डिलीट हर जगह, मुझे क्या काका चल रहा है, मुझे इल्म नहीं ना बेटा, मैं मुझे
मुझे नहीं मालूम कौन कौन चला रहा है, किधर किधर चल रहा है। और जहाँ जहाँ तुमको मालूम पड़ता है तो मुझे लिंक भेजो, मैं वहां भेजूंगी ये वीडियो बना के, बना जो बना रही हूँ, समझ रही हो। ठीक है और इसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा इंशाल्लाह। जिसने देखा है अगर किसी को कोई ख्वाहिशमंद है शादी का तो मुझे डायरेक्ट अगर फोन करता है तो मैं तुम्हारे पास में उसका नंबर भेजूँ, या फिर तुम्हारा फोटो मुझे दे दो, सही सही से फोटो दे दो मुझे, मैं उसको बता दूंगी भाई ये बच्ची ये लड़की है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 34। ठीक है, बच्चे होंगे ना आगे के, बच्चे होने की गुंजाइश है ना आगे शादी के बाद? बच्चे नहीं होंगे? ऑपरेशन हुआ है क्या? अरे अल्लाह, ठीक है ना, जिसके पास औलाद है एक दो बच्चे हैं उसके साथ में तो कर सकती हो ना, उसके बच्चे संभाल सकती हो ना। लड़का नहीं होता ना तो एक था एक है, होटल है उसकी, माशाल्लाह होटल चलाता है, होटल चला खुद की होटल है, जगह है, जमीन जायदाद सब है, और उसके दो है, दो बेटे हैं, और वो भी हॉस्टल यानी हिफ्स कर रहे हैं बच्चे, दोनों बच्चे हिफ्स कर रहे हैं। तो मुझे बोला उसने कोई रहेगी तो जिसको बच्चे नहीं है, या फिर बच्चे है भी तो मैं पाल लूंगा लड़की रही तो, लेकिन लड़का रहा तो फिर जायदाद में मसला आता ना, फिर ऐसा है लड़की रही तो आगे आकर अपने बच्चों के साथ भी आगे का सोच सकता है ना जैसा। तो मैं बोलती हूँ मैं अगर उससे, अगर वो भी बोलता है तो माशाल्लाह दिखने में तो खूबसूरत हो तुम, उसकी भी उम्र कुछ 35-36 साल है, इंशाल्लाह देखो कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, और अच्छी खूबसूरत हो, ऐसे कम मत मत काम करो, अल्लाह ने तुम्हारे में कोई ऐब नहीं रखा, इसका मतलब तुम अपनी इज्जत को मत ऐब लगाओ बेटा, सबसे बड़ी चीज़ तो इज्जत है ना। आज अब्बा की हालत देखो कितना, देख के कोई भी रो डालेगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ तब डिलीट करती हूँ, तुमको कहीं से लिंक मिलता है कुछ तो मुझे भेजो, और कुछ भी कहीं से कुछ कॉल आता है कुछ उल्टा सीधा बात कर रहा है मुझे नंबर दो, और कोई बोलता है पूछता है तो बोल देना आपा से बात हो गई बोलना, वैसे तुम्हारे हम तो हमने तुमको ढूंढ के निकाले, कोई मायके लाल इतने शरीफ ज्यादा है ही नहीं ना हमारे पास में जो वीडियो बनाने वाले तुम्हारे को ढूंढ के भी निकालेंगे, अगर ढूंढ के निकालने वाला होता तो तुम्हारी वीडियो वायरल ही नहीं करता ना, डायरेक्ट तुम्हारे अब्बा को लेके आके दिखाता, बात करवाता, खत्म होती बात। चलिए नादानी बेवकूफ़ी अपने कौम में है, संभाल के तो सभी को चल रहे हम, और तुम्हारी तो गलती उससे बड़ी है, उसको क्या हम बोलेंगे जिसने किया। हाँ चलो, माफ़ करने वाला अल्लाह है, माफ़ी को पसंद करने वाला अल्लाह है, आइंदा करना नहीं बेटा। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़। क्या ये तुम्हारा इतना जो वायरल हुआ है? आपा सॉरी आपा, मैंने भाई की बात कराई आपा। नहीं वो ठीक है, हम लोग तुम लोग मिल गए, लेकिन बात बता रही हूँ मैं ये सब चीज़ों से, तुमको सोचना चाहिए, तुम मुसलमान हो, बुरखे में हो, तुमको अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा, वो तो छोड़ो, वो जाहिल लोग कौन है क्या वो, उससे हमको मतलब नहीं, और तुमको तो समझना चाहिए ना बेटा। आपा मैं माफी मांग रहा हूँ, मैंने अपने अब्बा की प्रॉमिस की है, मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा आपा, और मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि आप लोगों ने हमको जो आंखें खोली है ना आपा, हम जिंदगी भर याद रखेंगे आपा, मेरे पापा मरते मरते बचे हैं बस। नहीं आपा आप सही बोल रहे हो आप, आइंदा से नहीं होगा आपा। मैंने कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे को, पता है तुम्हारे कितने दिन हो गए बात को? तो आपा ये बात को बहुत दिन हो गए पर मैं करती हूँ पापा, लेकिन मेरे घर में बहुत बुरी हालत चल रही थी, मेरे मम्मी की पापा की बहुत बुरी हालत हो गई। नहीं लेकिन ये लगी आदमी कौन है लेकिन जिसके साथ में तुम हो, ये कौन है? पापा ये मतलब ऐसे है ना, हम लोग दोस्त बन गए थे आपा, ये गैर मुस्लिम है ना ये? हाँ पापा। तो तुमको समझा नहीं गया तुम्हारा फ्यूचर क्या है, पहले तुम्हारा डाइवोर्स भी हो तुम, पहली बात तो। हाँ तो तुमको मुसलमान नहीं मिल रहा था? पापा मैं कुछ मेरे को नहीं मिले मुस्लिम, मैं कितना हम लोग बोलते फिर मैं ढूंढ पा लिए। हाँ आपा मेरे को चलेगा। ठीक है, अभी ये भी मैं तुम्हारी जो है तुम्हारे लिए मैं बोलती हूँ कि भाई भाई कोई है अच्छा लड़का जो भी है, डाइवोर्स ही रहा, बच्चे नहीं है, कर लेगा तो अच्छा जिंदगी, मुसलमान के साथ में रहेगी तो आगे नस्ल तेरी अच्छी चलेगी, नहीं तो फिर वही क्यों पहला आदमी क्यों छोड़ा? मैं आपा डाइवोर्स नहीं हुआ, मर गया मेरा आदमी, लेकिन तुमने वहां तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी बेटा, उसमें ट्रेन में तुमने जो कुछ भी कर रही हो, हाँ क्या बाकी रखा तुमने उसमें बताओ, तुमको दुनिया का होश नहीं? इतनी बेहोश, इतना 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 अपने आपको दुनिया से बेखबर कर लेने का, कभी इबादत की क्या ऐसी, ऐसी टूट के कभी इबादत की है? इतनी पब्लिक में तुम मोहब्बत कर रही हो, इतनी टूट के तुमने कभी अल्लाह से अकेले में मोहब्बत की है? ये दिल जरा अल्लाह की तरफ भी तो लगा के देखो ना, क्या नहीं देगा तुमको इंशाल्लाह आपा, मैं बस अल्लाह की तरफ ही और अल्लाह से। अरे मैं तो बहुत ताज्जुब हो गई, अगर यही औरत इतना बेहतरीन कॉन्सेंट्रेट, इतना बेहतरीन तुम्हारा ये है कि तुमको किसी का खुशी नहीं है, मगर ये जाया किधर हो रहा है, हराम में? हाँ इतना अगर हमारे हमारे को अगर इतना ध्यान रहे तो हम तो बाप रे पूरे जमीन पे उतार ले सब कुछ।
हाँ यहाँ पे हमारे को एक मिनट में फोन आते रहते हैं, एक मिनट में हम हमारी मसरूफियत लगी हुई, तुम जैसी लड़कियों के पीछे हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हम खाना नहीं वाला मुंह में नहीं खा डाल पा रहे ढंग से, वहाँ चबाते चबाते बात करना पड़ता है, हाँ नींद में बात करना पड़ता है, कुरान अभी भी सामने कुरान है, उनका वीडियो कॉल करके देख लो अभी सामने कुरान नहीं है, नहीं आप पे भरोसा है, ईशा की नमाज रोक के तुमसे आप बात कर रही हूँ। मेरे को नसीहत कर रहे तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इंसान अच्छा बुरा अल्लाह के लिए होना है, मैं किसी के लिए अच्छी बनने से मेरे को क्या हासिल है, तुम किसी के लिए अच्छी बन के कोई आदमी तुमको हमेशा अच्छा ही समझेगा, ऐसा तो दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं है जो तुमको हमेशा अच्छा बोलेगा, हाँ वो अल्लाह ही है जो बोलता है कि मैं गुनाह माफ कर दिया, फिर वो गुनाह याद नहीं दिलाता ना सही उठा के बात। बताता, लेकिन हरकत अगर तुम्हारी वैसी रही तो फिर नहीं सोचो। आपा, नहीं आपा, मेरे अब्बा से मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करती हूँ, अपने अब्बा से मैंने कसम खाई है, मैं आप अपने अब्बा से। मुसलमानों को बोलो, मैं अभी तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुसलमानों को बोलो ताकि वो लोग ये तुम्हारा जा जा डाले हैं वो हटा दे, क्योंकि सबने खुन्नस में किया है, सब खुन्नस में किया है पता है, एक मुसलमान लड़की ऐसा कर रही बोले, तुम्हारा आपा ब्लर ये करके, ब्लर करके हम बोल देंगे भाई जहां जहां ये वीडियो चल रही है हटा दो, तुम्हारा यहाँ नहीं इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है तुम्हारा वीडियो। आपा प्लीज मेरा वीडियो हटा दो, हाँ मतलब तो मेरा वही मैं बोल रही ना, तो तुम मुझे बोल रही हो ना, वैसे तुम अभी तुम मैसेज दो अपने भाइयों को कि भाई जो गलती हुई तुम उसको एक्सेप्ट करो और बोलो कि बाबा बोलो इसमें की गलती, आगे तुम ऐसे किसी को देखो तो तुम रोको, मैं तो बात की मैम। वो छोड़ो वो तो हमारा बच्चा है, वो हम वो हम जो बोलेंगे वो करेगा, वो उसको तो मैं बोली थी फोन करने के लिए, लेकिन बात क्या कर रही हूँ मैं कि और जो लोग है जो इंटरनेशनल लेवल पे इस पे डाले है और जो फेसबुक पे डाले है ट्विटर पे, मैं तो कहीं नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो गवर्नमेंट ने बैंड किया हुआ है, क्योंकि तुम बच्चे को बचाती हो ना, मेरे को फजीता करने आता नहीं है, मेरे को ऐसा वायरल करने आता नहीं ना, इसलिए मेरे मैं जो है वो बचना नहीं चाहिए, मुसलमान बच्चों का ईमान बच गया ना ये पसंद नहीं है ना गवर्नमेंट को, सही बात है। उछलती इज्जत सबको पसंद आती है ना, शैतान को जो चाहिए वो शैतान की हरकतें करने वाले लोग कर रहे हैं। अब मैं इतना है कि भाई मैं इसमें सबको मैं बोल सकती हूँ भाई जो भी हम इस लड़की तक पहुंचे और ये जो वीडियो है हटा दो, क्योंकि इससे अब्बा को हार्ट अटैक आ गया और ये वजह से बेचारे ये हालत में मरते मरते बचे, ये मैं बोल सकती हूँ तुम्हारी तरफ से। ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप अल्लाह के राह में करें तो आपको अल्लाह बहुत नेकी देगा आपा इंशाल्लाह। अल्लाह रहम और कर, तो अब्बा है अभी मेरे घर में? हाँ आपा हाँ तो एक मिनट हेलो, हाँ आपा मैं वीडियो कॉल करूँ क्या? नहीं है ना आपा एक मिनट लेकिन तुम वही लड़की हो, मुझे कैसे पता चलेगा? आपा वीडियो कॉल कर देना। एक मिनट में करती हूँ, रखो। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत हैं जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके उनका मजहब चेंज करके उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं, और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया, और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस एक मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।